जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय गौरव महाराणा प्रताप सिंह जयंती के अवसर पर बापी शहर में विभिन्न कार्यक्रम। बापी महाराष्ट्र क्षत्रिय राजपूत संघ बापी दमन सिलवासा की ओर से 2 जून को महाराणा प्रताप सिंह की 482वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही जाने माने इतिहासकार और वक्ता सचिन देवरे द्वारा महाराणा प्रताप सिंह के जीवन पर अति सुंदर और रोमांचक वीर गाथा पर व्याख्यान दिया गया। बापी दमन सिलवासा के आसपास बेस महाराष्ट्रीय क्षत्रिय राजपूत समाज के भाइयों और बहनों बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। उपस्थित सभी लोग और संघ के पदाधिकारियों द्वारा महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है, उन पर मार्गदर्शन संगठन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर किया गया। प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद जय घोष लगाए गए। सूत्र संचालन संगठन के उपाध्यक्ष श्री संग्राम सिंह राणा और संघ प्रचारक जनेश्वर परमार जी ने के द्वारा किया गया। उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र गिरासी ने हाल में किए गए संगठन के सामाजिक कार्यों का विश्लेषण किया, साथ ही नई कमेटी के सभी पदाधिकारियों का परिचय दिया। संगठन के सक्रिय कार्यकर्ता जनेश्वर गिरासी ने अपने 2 शब्द रखते हुए समाज के लोगों को सामाजिक कार्य में संगठन का सहयोग करने के लिए आह्वान किया। उसके बाद श्री सचिन देवरे द्वारा महाराणा प्रताप पर व्याख्यान दिया गया। संगठन के सलाहकार डॉक्टर नितिन राजपूत द्वारा 2 शब्दों में महाराणा प्रताप जी के चरित्र और शिव चरित्र का जीवन में महत्व बताया। संगठन के प्रमुख माननीय योगेश राजपूत और महासचिव अनिल राजपूत द्वारा उपस्थित सभी समाज बंधुओं का उपस्थिति के लिए आभार प्रकट किया गया। अतः राष्ट्रगीत गाकर प्रातः स्मरणीय महान स्वाभिमानी क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि दी गई। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे।